बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू आर सेफ एंड साउंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इट्स टाइम टू स्टडी पाकिस्तान स्टडीज। टुडे आवर टॉपिक इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज व्हाट इज द मीनिंग? कटिंग द ट्री इन द फॉरेस्ट। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, फॉरेस्ट शुड कवर 25% ऑफ द टोटल एरिया of any country, but in Pakistan less than 5% of the total area is covered with the forest. First sentence में बेटा यही बात की जा रही है, किसी भी country का total area जो होता है उसमें से 25% area को cover होना चाहिए forest से, means trees लगे होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि 5% से भी ये कम है। फर्दर मोर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट बीइंग कटिंग रूथली। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो 5% से लेस हमारे पास एरिए पे जंगलात हैं, फॉरेस्ट्स हैं, उसके ट्रीज़ को भी कट किया जा रहा है। दिस सिचुएशन इज़ नॉट ओनली डैमेज आवर इकॉनमी बट आल्सो डैमेजिंग आवर इन्वायरमेंट। यहाँ पर बताया जा रहा है बेटा कि अगर हम अपनी इकॉनमी को देखते हैं तो वो भी डैमेज हो रही है और इधर साथ ही इन्वायरमेंट भी। इन्वायरमेंट कैसे? कि एक तो हमारे मुल्क की खूबसूरती कम होती है, सेकंड हमारे पास ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, थर्ड क्या होता है कि बारिशें नहीं होती, क्योंकि ट्रीज़ नहीं होंगे तो फिर बारिशें होने के इम्कान कम हो जाते हैं। फॉरेस्ट आर ओनली सोर्स ऑफ द प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द प्लांट्स अर्थ, बट अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन इज़ रिड्यूसिंग ऑक्सीजन प्रोडक्शन। इन एडिशन देयर इज़ अ सब्सटेंशियल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द हार्मफुल गैसेज इन द एटमोसफियर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ नॉट ओनली डिफॉरेस्ट्रेटिंग द इन्वायरमेंट बट आल्सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब इसमें बताया बेटा जा रहा है कि अगर हम ट्रीज़ नहीं लगाएंगे, उसको कट करते जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इस कमी की वजह से क्या होगा कि दूसरी गैसेस जो हार्मफुल गैसेस हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी और ये हमारे माहौल को और ज़मीन का टेम्परेचर जो होगा उसको चेंज कर देगा। दिस इज़ द रीज़न वाई द क्लाइमेट चेंज इन द अकरिंग बाय द डिक्रीज द रेनफॉल ऑफ द एक्सेसिव इंक्रीज द रेनफॉल फ्लड्स एंड चेंज इन द पीरियड ऑफ द रेनफॉल एट्सेट्रा विच इज़ एड्रेसली अफेक्टिंग आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब क्या होता है कि जब बारिशें होती हैं ना वो दरख्तों की वजह से होती हैं, ट्रीज़ की वजह से, उसके ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन जब आप जंगल जो हैं वो ख़त्म कर देंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, तो बारिशें क्या है मौसम के बगैर होना शुरू हो जाएंगी, मतलब क्लाइमेट्स चेंज हो जाएंगे। व्हेन क्लाइमेट चेंज द रेन सिस्टम इज़ ऑटोमेटिकली चेंज बिकॉज वी आर डिपेंडेड इन आवर एग्रीकल्चर। 70% ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड। द एग्रीकल्चर इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द रेन सिस्टम बिकॉज फॉर द एग्रीगेशंस। दैट्स वाई हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि बारिशें मौसम के मुताबिक हों। द मेन रीज़न फॉर द रेन फॉर ऑल द डिफॉरेस्टेशन देयर वी शुड स्ट्राइव नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट एन एग्जिस्टिंग ट्रीज बट आल्सो टू द प्लांट मोर फॉरेस्ट सो दैट वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। अब हमें क्या है कि एक तो जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं ऑलरेडी मौजूद जो ट्रीज़ हैं उनको सेव करें। अगर उनको कट किया जा रहा है फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी नीड, तो हमें नेक्स्ट जो है उसकी जगह पे डबल लगाने चाहिए ट्रीज़। और इससे क्या होगा कि हमारे एनिमल्स जो होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए भी सेफ सोर्स बन जाएगा, रेजिडेंसी बन जाएगी उनके रहने के लिए और इससे हमारा माहौल भी खूबसूरत हो जाएगा। टुडे दिस इज़ आवर टुडे लेसन, प्लीज़ लर्न इट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।